प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा जो बातों का हम देख रहे थे कि क्या क्या पूरा हुआ, उसमें जो दीवार थी यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच की, उसको यीशु मसीह ने हटा दिया। ये काम यीशु ने पूरा किया और अभी हम सब एक है, चाहे आप जो भी है हम सब खुदा के बेटे हैं। आगे देखेंगे कि परमेश्वर के पास जाने का मार्ग यीशु ने खुला किया। आज हमको इस बात का एहसास होता नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके चरणों पर आते हैं। आपको मालूम है क्या यहां तक आने के लिए क्या किया गया, इसकी कीमत चुकाई गई, क्योंकि मूसा के नियम शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए थे कि निवास मंडप जो बनाएगा उसको ऐसा बनाना कि पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पार्टीशन होगा, एक पर्दा होगा, कोई भी उसके अंदर नहीं आएगा, ना मुख्य याजक आएगा ना कोई आएगा। मुख्य याजक साल में एक बार अपने लिए और लोगों के प्रायश्चित के लिए आएगा, वो भी एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू लेकर वो वापस आकर सब लोगों के लिए रिपेंटेंस करेगा, एटोनमेंट करेगा, पश्चाताप करेगा। और एटोनमेंट का जो जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान है, वो एक मेमना रहेगा जिसका लहू या जिसका मांस जो है वो बाद में उसको भूंजा जाएगा या जो भी किया जाएगा, और उस द्वारा परमेश्वर जो है लोगों के पापों को क्षमा करेगा। साल में एक बार आएगा, ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे शब्द का सारांश है कि हमारे मार्ग जो है परमेश्वर के पास के उसके पास आने के खुल गए। और आप देखें यहां पर इफिसियों 2 और उसका 13 से 18 वचन हम सुनेंगे। इफिसियों 2 उसका 13 से 18 वचन आप निकाले अपने बाइबल में से, 13 से 18। पर अब मसीह यीशु में जो तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, मेल बलि का मेमना है, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक करा, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की दीवार थी अपने लहू के द्वारा उस दीवार को ढा दिया। पढ़ो आगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। वो व्यवस्था नियम शास्त्र अपने शरीर को उसने जो कलवरी के क्रूस पर अपना शरीर जो लहूलुहान किया या उसका शरीर जो तोड़ा गया उसके द्वारा वो सारी विधि वो सारे नियम शास्त्र उनके रूल्स और रेगुलेशन जो थे मोसेस के लॉ उसको उसने अबॉलिश किया, मिटा दिया कि दोनों, ये शब्द मैं कहूंगा मिटा दिया बल्कि उसको पूरा किया, पूरा किया, आगे मैं बताऊंगा क्या हो, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रेज द लॉर्ड। दोनों में से सारे मनुष्य को अपने में समेट कर दोनों जो है एक हुए, हम मसीह की कलीसिया बने और हमारा मेल जो है उसने परमेश्वर के साथ कराया। प्रेज द लॉर्ड। 18 वचन पढ़े, 18 वचन 17 ही है, 16 भी बाकी है, पढ़ो ना। और क्रूस पर बैर को नाश करके, हाँ बैर को जो द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा के द्वारा चाहे यहूदी हो गैर यहूदी हो जो भी हो, मसीह यीशु में वो शरीर में वो कलीसिया में जो मसीह यीशु है उसके द्वारा पिता के पास वो एक आत्मा से जो पवित्र आत्मा है हम सब पहुंचते हैं। आपको इस बात के विषय में बताऊं, मार्ग खोल दिया, एसेस, डायरेक्ट एसेस टू गॉड। अभी किसी याजक के पास जाने की जरूरत नहीं, कि आप खुद प्रभु यीशु के नाम में जाते हैं, लेकिन उसके लिए यीशु को अपना लहू देना पड़ा। इसके लिए आप परमेश्वर के पास आते हैं, आराधना में जब खड़े रहते हैं आपने कितना एक आभार प्रकटनी के साथ एक हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ हमने खड़ा रहना चाहिए। इसके लिए आपने सुना होगा कई बार हम कहते हैं कि योग्यता नहीं हमारी, यीशु ने मार्ग खोले, यीशु ने, पहले लोगों को अलाउड नहीं था डायरेक्ट आने का, आज आप डायरेक्ट परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं आराधना के माध्यम से। कितनी बड़ी बात यीशु ने हमारे लिए पूरा किया, उसको हटा दिया सब बैरियर्स। आप जानते हैं यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जैसा ही यीशु ने अपना प्राण दिया उस समय मंदिर का जो यरूशलेम के मंदिर का पर्दा, बाइबल कहती है कि ऊपर से नीचे तकरीबन 60 फीट का पर्दा रहा होगा, वो ऊपर से नीचे तक दो भाग में हट गया बाजू में।
वो ऐसे मार्ग खोल दिए यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा। इसके लिए इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि नाशवंत वस्तु यानी सोने और चांदी से नहीं बल्कि अपने ही लहू के द्वारा उसने सार्वकालिक मुक्ति प्राप्त की। सार्वकालिक मुक्ति, इसके लिए हम लोग कुर्बानी नहीं देते। हमारा जो ये था अटोनमेंट का मेमना जो था, हमारे प्रायश्चित का मेमना यीशु मसीह कुर्बान हो गए, इसके लिए और कोई कुर्बानी नहीं। उसने हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करा ली आपके लिए और मेरे लिए। मैं आपको बता रहा था क्यों नियम शास्त्र को वो कहता है कि पूरा किया। ये सारी बातें जो थी, नियम शास्त्र था, आप देखते हैं कि उसने कहा निवास मंडप बना, उसने कहा अब्राहम से कि अपने बच्चे को तुम मोरै पर्वत पर लेकर जा और उसको बलि चढ़ा, और बलि तो नहीं चढ़ाने दिया लेकिन कहा ऐसा कि तो ऐसा कर, और देख रहे थे प्रभु उसको लाइव देख रहे थे। वो मानो एक रंगीन तालीम चल रही थी जिसे परमेश्वर देख रहे थे। क्यों फसा का पर्व बनाया गया, ये सब जो थे वो ये उन बातों की छाव है जो बाद में आने वाली थी, जो हकीकत में होने वाला था। आप जानते हैं फसह का पर्व, एक साल का मेमना निर्दोष निष्कलंक, उसको काटेंगे, 10 लोग के साथ में उसको ये किया जाएगा, ये सारी बातें। और आप जानते हैं वलंटन सन या जो फसह का पर्व का मेमना कौन बना, यीशु मसीह। वो सारी बातें जो पहले थी वो सब जो थी वो एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन था या रंगीन तालीम उसको कहेंगे। हकीकत यीशु मसीह है, पहले की बातें जस्ट शैडो, वो सिर्फ परछाई थी। मूसा का नियम शास्त्र क्या था, परछाई थी। हकीकत क्या थी, यीशु मसीह, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप जानते हैं कि बाइबल में कहा है कि मूसा के द्वारा नियम शास्त्र आया, यीशु मसीह के द्वारा क्या आया, कृपा और सच्चाई, द ट्रूथ एंड ग्रेस। क्योंकि नियम शास्त्र बहुत अच्छा था लेकिन नियम शास्त्र पूरा उद्धार नहीं करता था, वो केवल एक परछाई थी उद्धार की, असली उद्धार यीशु में था। इसके लिए देखो, मूसा के समय में पाप अगर किसी व्यक्ति को लगा कि मैंने पाप किया तो वो क्या करता था, याजक के पास जाकर अपने जो दोष बलि का जो है कुर्बानी चढ़ाता था, वो चाहे बकरा है या भेड़ है, उसको लेकर निर्दोष निष्कलंक जो है भेड़ उसको चढ़ाता था, उसको काटा जाता था, उसकी कुर्बानी की जाती थी, और इस द्वारा जो याजक है वो पश्चाताप करता था उस व्यक्ति के लिए और उसके पाप क्षमा किए जाते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय उसने क्या कहा कि अपने मनों को फिराओ, प्रायश्चित करो और बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि बपतिस्मा पूर्ण रूप से पाप क्षमा नहीं करता। अभी आप बोलेंगे पास्टर ऐसा कैसे क्या, बपतिस्मा जो है, बैप्टिज्म जो है, उसके अंदर दो आशीष बहुत बड़ी है। पहली आशीष जो है वो आशीष है नए जन्म का अनुभव, और दूसरी आशीष जो है वो है पवित्र आत्मा प्राप्त करना, नया जन, नए सिरे से जन, नया जन प्राप्त करना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, ये बैप्टिज्म के गिफ्ट्स है। पाप क्षमा होकर नया जन्म मिलता है हमको, लेकिन बैप्टिज्म से ही पाप क्षमा होंगे ऐसा नहीं था। क्योंकि आप जानते हो जो चोर यीशु के बाजू में था, कई लोग सवाल पूछते हैं कि उसका तो बैप्टिज्म हुआ नहीं फिर वो स्वर्ग में कैसा गया। हाँ, मैं तीसरी बात आपको बताता, यीशु के समय बैप्टिज्म कैसा, यीशु के समय उद्धार का क्या मार्ग था। आपको मालूम है कि एक 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 पैरालाइटिक, एक पंगु व्यक्ति को जो लकवे का रोगी था उसको लेकर आए, कफरनहूम में पतरस के घर में थे, जब वो चार लोग लेकर आए, छत में से उसको नीचे छोड़ा, सब हुआ। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर कहा कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसी लोग खड़े थे, वो आश्चर्यचकित, कैसे क्या पाप क्षमा, अरे उसके लिए तो बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, उसकी विधि होती है, उसका रिचुअल होता है, याजक के पास जाना पड़ता है, ये दुर्भाषण करता है, ये क्या अपने आप को खुदा समझता है, ये कैसे क्या पाप क्षमा कर सकता है। आपको मालूम है यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का अधिकार कैसा, केवल खुदा को है। यीशु ने सवाल किया कि भैया आसान क्या है, ये कह देना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि अपनी खाट उठा और घर को जा। और ये देखकर यीशु ने उससे कहा कि चल अपनी बाज उठा और घर को चल, अपने बिस्तर उठा और घर को जा, और वो लकवे करोगी खड़ा हो गया, अपने बिस्तर को लिया। यीशु ने बताया उस समय लोगों को कि मैं खुदा हूं, आई एम द गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं पूर्ण रूप से खुदा हूं और पाप क्षमा करने का अधिकार मेरे को है। जरूरी नहीं कि मेरे सामने आप पानी में डुबाओ, बैप्टिज्म करो तो पाप क्षमा हो, या याजक के पास, मुझे अधिकार है डायरेक्ट पाप क्षमा करने का। इसके लिए यीशु ने कहा उस चोर से, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा। Praise the Lord. यीशु ने किसी भी नियम शास्त्र को या किसी भी जो laws of Moses को कभी भी अपमानित नहीं किया, हर चीज को पूरा किया।
बल्कि वो कहता है कि सब मुझमें मूसा के नियम शास्त्र और सारी बातें जो है जो लिखा हो मेरे विषय में लिखा और मुझमें पूरी होती हो। इसके लिए यीशु के द्वारा पूर्ण पूर्ण उद्धार होता है किसी भी व्यक्ति का, अगर वो यीशु के पास आए और अपने पापों को गुनाहों को कबूल करे और यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करे, पूर्ण रूप से उसके पाप क्षमा होते हैं। ये फर्क था मूसा के नियम शास्त्र में उद्धार की परिभाषा का और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय का और यीशु के समय का। डायरेक्ट पाप क्षमा यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत सी बातें हैं। सीधा मार्ग खुल गया परमेश्वर के पास जाने का, सीधा मार्ग। हमारे पाप क्षमा हुए क्योंकि पाप अपने ताकत के द्वारा हमारे को हमेशा अपने अधीनता में बांध कर रखता था, लोगों को जकड़ कर रखता था, क्योंकि शैतान आपको हमेशा याद दिलाता ना, आप पापी, गलत काम करा, ये किया, वो किया। वो जो पावर था, सामर्थ था पाप का, जिसके द्वारा राज करता था, उसको खत्म किया। आप देखे पहला कलीसियों 54 से 58 वचन को हम धीरे धीरे और जोर से पढ़ेंगे। आप निकाले अपनी बाइबल। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मन मरणहार अमरता को पहन लेगा, नाशवंत अविनाशी को पहन लेगा और जो मॉर्टल है, मरणहार है, अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या लिखा है? जय ने मृत्यु को क्या करा? निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु, जिस जोर पर शैतान अभी तक राज करता रहा और पाप का वेतन मरण है, wages of sin is death, उसके द्वारा तो राज करता रहा हो, यीशु ने आकर उसके शैतान के जो सामर्थ्य की नांग को ही तोड़ डाला सीधा, उसका जो किलिंग जो पावर था उसको ही तोड़ डाला। यीशु में सार्वकालिक जीवन है, उस पर विश्वास करने से आप और मैं सार्वकालिक जीवन प्राप्त करते हैं, मरते नहीं, ना तो शरीर में मरते, शरीर भले शरीर में मरे, हम आत्मा में मरते नहीं। ये पावर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, आत्मा में नहीं मरते, युगानुग के जीवन है हमको यीशु के साथ में। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, व्यवस्था है। हाँ, तो ये सारी बातों को यीशु ने खत्म किया और आप जानते हैं कि जो पाप का जो सामर्थ था उसको रद्द कर दिया, उसकी सामर्थ को खत्म कर दिया। और एक बात यीशु ने की कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ा समेट किया, शांति। आप जानते हैं कि हमारी आदतें बहुत अच्छी थी, हम पापी विचार के लोग थे, हमारे बोलने में, सोचने में, हरकतों में हर जगह पाप मिलता है, लेकिन यीशु ने समेट करा, परमेश्वर के साथ में शांति स्थापित की। ये बड़ा काम यीशु ने किया, नहीं तो हम कभी भी पिता से मिल नहीं पाते थे, आपके निर्माणकर्ता को कभी जान नहीं पाते थे। लेकिन वचन में देखो आप, कुलुसियों 1:20-22 और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के साथ में हम मनुष्य का मेल यीशु ने कराया, शांति प्रस्थापित की। और इसके लिए आज प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े रहते समय यीशु के नाम में बड़े हियाव से हम आते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं, कि हम जानते हैं कि यीशु के नाम में
पिता अब्बा पिता हमें एक्सेप्ट करेंगे और ये समेट है यीशु के द्वारा। आज बड़े आनंद से आप और मैं कहते हैं परमेश्वर पिता अब्बा पिता, लेकिन किसी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत वेदना बहुत तकलीफ अपने खुद के लहू के को देकर उसने सब ये सब हमारे लिए मुमकिन किया है। इसलिए आप देखें कि वचन या यीशु इन सब बातों का फाउंडेशन है, बेस है, और हर विश्वासी जो उस पर विश्वास रखता है उस पर कभी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। मृत्यु के भय से छुड़ा है हमको, शैतान के पास जो हमारे हम गिर भी रखे गए थे वहां से भी हमको छुड़ा लिया यीशु ने। यीशु ने सबको स्वतंत्र किया मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें हैं मैं आपको बताऊं, लेकिन समय के न होने की वजह से मैं सारी बातें तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको बताऊं कि यीशु ने और एक काम किया, पवित्र आत्मा हमें दिया। उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा देता हूं। आपको मालूम है कि जब झोपड़ियों का सन, जिसे आप टेबरनिकल जो बोलते हैं, उसका जो त्यौहार था, निवास मंडप का जो त्यौहार था, उसके आखिरी दिन जो थे मेन दिन पर यरूशलेम में, जो सातवें दिन है, यीशु ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, यदि आप में कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं जीवन का जल उसे दूंगा। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने वो काम पूरा किया। इस पृथ्वी पर हम अनाथ और अकेले नहीं है। यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं और मैं पवित्र आत्मा आपके लिए भेजूंगा। पिता स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने और विराजमान। यही चित्र स्टेफन जो था उसने देखा था, आप बुक ऑफ एक्ट्स में पढ़ लेना, कि जब उसे पत्रवाह कर रहे थे उसने अपने आंखों को उठाकर, वहां बाइबल का एक वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्टीफन ने स्वर्ग की ओर देखा और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, क्योंकि परमेश्वर का चेहरा किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर की महिमा को देखा और परमेश्वर के दाहिने ओर उसने यीशु को देखा, पवित्र आत्मा उसके साथ। आज आप और मैं अकेले थोड़ी ना है, पवित्र आत्मा हमारे साथ। इसके लिए मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा था कि हमको अनजान नहीं बनना है, केवल पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में बात नहीं करना, मुझे पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है, गिवर के साथ में, गिवर जो है उसके साथ में आगे बढ़ना है। त्रैक्य का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा, उसके मार्ग यीशु ने आपके लिए खोले, मेरे लिए खोले, हर कोई पवित्र आत्मा में बढ़ सकता है। और आखिरी बात है कि पुराने नियम को समाप्त करके नया नियम पर उसने मुहर लगाई अपने लहू के द्वारा। आप जानते हैं कि क्या कहा यीशु ने जब प्रभु भोज का विधि किया, तब कहा कि ये जो लहू है ये नई वाचा का लहू है, ये तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए दिया जाता है। वचन पर विश्वास रखे, अनगिनत लोग जो आएंगे उन सबके लिए मेरा लहू दिया जाता है। लहू है उद्धार और छुटकारा। मेरे लहू के द्वारा ये जो नया करार है, नई वाचा है, ये मेरे लहू के द्वारा इसको सील किया जाता है, शिक्का मारा जाता है। ये तुम्हारे और बहुतों के उद्धार की वाचा है, सल्वेशन फॉर मैनकाइंड फॉर एवरीबॉडी, यीशु के लहू के द्वारा चिन्ह। मेरे प्रियो, पुराना नियम वो सब बातें जो थी, मैं आपको जैसा पहले भी कहा कि आप निकाले कुलुसियो उसका आखिरी वचन है, फिर हम खत्म करेंगे। कुलुसियो उसका दूसरा अध्याय 14-17 वचन बहुत ध्यान से सुने। कुलुसियो 2:14-17। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, यानी कि नियम शास्त्र। हाँ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मोसेस के लॉस को उसने क्रूस के ऊपर ठोक दिया, उसको पूरा किया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ध्यान से सुनिए वचन को, जरा जोर से पढ़ना वापस। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों, कौन है प्रधान और अधिकारी, कौन है? ये वही लोग है जिसके बारे में स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बताया था कि जो आकाश में है और वो प्रधानता है, वो अधिकारी, वो सत्ताधारी जो पूरे संसार का खेल करते हैं, वो भरमाने वाली आत्माएं जिन्होंने लोगों को गुमराह करके रखा है, उनका खुला खुला मजाक क्रूस पर यीशु ने उड़ाया, उनका तमाशा बनाया यीशु ने, क्योंकि जयवंत हुआ हमारा यीशु, पूरा किया उसने। ये वो वचन है, आगे पढ़े। ऊपर से उतार कर खुला खुला उनका तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हमारे यीशु ने सुनाई। इसके लिए मैं समझता हूँ
कि जो अद्भुत कार्य यीशु ने पूरा किया बोलता हूँ मैंने, तमाशा बना उन अधिकारियों का, सत्ताधारियों का जो संसार का खेल करते थे। इसलिए खाने पीने या पर या इसलिए खाने पीने या नए चांद या न्यू मून नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई भी फैसला न करे क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। आने वाली बातों की यानी जो उद्धार पूर्ण रूप से यीशु ने प्राप्त किया उसकी ये सिर्फ परछाई थी। ये सारी बातें जो है नियम शास्त्र में शब्बात और ये सारी बातें क्या थी, ये केवल परछाई थी उन आने वाली बातों की जो यीशु के द्वारा पूर्ण रूप से उद्धार दिया गया। इसके लिए हम लोग नियम शास्त्र फॉलो नहीं करते, हम यीशु पर विश्वास के द्वारा हम नए जीवन की और पाप क्षमा की बात करते हैं। पर मूल वस्तु एक मसीह की है। परंतु मूल वस्तु क्या है, रियलिटी क्या है, जीसस क्राइस्ट। पहले की सारी बातें जो थी कि पाप बलि चढ़ाओ, दोष बलि चढ़ाओ, ये करो वो करो, शपथ रखो, ये सारी बातें परछाई थी, लेकिन उसकी हकीकत कौन था? यीशु मसीह। आप पढ़े इस वचन को, आखिरी वचन फिर से पढ़ना, मुझे जरा बहुत अच्छा लगता हो। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, ये सब आने वाली बातों की छाया है। नया मून हो गया और नया ये हो गया और ये सब रूल्स और रेगुलेशन, ये सब आने वाली बातों की छाया थी। हकीकत क्या था? पर मूल वस्तुएं मसीह की है। मूल वस्तुएं मसीह की है। यीशु ने जिस कार्य के लिए, धन्य मुक्ति सालवेशन का कार्य यीशु ने पूरा किया। ये छह सातों शब्द का सारांश है और वो आज आपके सामने मैंने रखा। लोग कभी आपको पूछे कि गुड फ्राइडे से क्यों कहते हैं इसको, तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। मुझे सुबह फोन आया था मेरे स्टाफ का, कुछ लोग ड्राइवर वगैरह बोले हैप्पी गुड फ्राइडे सर। मैंने कहा आपको भी हैप्पी गुड फ्राइडे। सचमुच में जितने भी शुक्रवार आपने सुने, ये शुक्रवार उत्तम इसके लिए कि इसमें मनुष्य जाति का उद्धार था और वो काम यीशु ने पूरा किया। और प्रभु करे आपको उसके वचन में, वचन की सहभागिता में, पवित्र आत्मा में और बढ़ाए, उत्साह दे, आनंद दे वचन सुनने के लिए, वचन कहने के लिए। हमारे पास में वो चीज है, जैसा मैंने आपको पिछले कुछ वचनों में कहा था, हर एक वायरस का एंटीडोट ढूंढा जाता है। पाप का जो वायरस था उसका एंटीडोट था यीशु मसीह का लहू। और वो एंटीडोट क्या है हमको मालूम है, आपको मालूम है। इसके लिए यीशु ने कहा जब तक मैं आता नहीं उसका प्रचार करना, आपको करना है, मुझे करना है। हमारे पास में है पाप क्षमा का, हमारे पास में मार्ग है। आप सब चीज का एंटीडोट निकाल लोगे, पाप का जो है वो एक ही एंटीडोट है और वो यीशु का लहू। हमारे प्रभु ने धन्य मुक्ति कार्य किया। परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद दें, यीशु मसीह ने जो बलिदान किया उसके लिए धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए धन्यवाद दें। प्रार्थना करें हम लोग। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अब्बा पिता, मैं अपने हाथों को जोड़कर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सचमुच में अपनी निर्मिति मनुष्य से कैसा अद्भुत प्रेम किया कि प्रभु जी प्रेम के लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया। यीशु के द्वारा अपने मुक्ति का कार्य प्रभु जी वो मिलाप फिर से किया जो हमारा आपके साथ में था। सब मानव जाति आपसे एक हो गई प्रभु जी। शैतान के सारे खेलों को आपने नष्ट किया आज के दिन कलवरी के क्रूस पर। खुल्ला खुल्ला मजाक उड़ाया उन प्रधानताओं का, उन अधिकारियों का, उन सत्ताधारियों का जो आकाश में बैठकर खेल करते हैं। यीशु के लहू की सामर्थ के तले हर एक चीज निकम्मी हो गई। और इसके लिए प्रभु जी जो नम्रता से यीशु मसीह ने हमारे लिए सारी आत्माओं को सहा, अपनी कुर्बानी दी। फिलिपियों 2:10 के अंदर वचन कहता है कि परमेश्वर ने भी उसे इतना ऊंचा किया। क्यों ऊंचा किया? क्योंकि वो नम्र हो गया था। यीशु मसीह एक 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 साधारण सेवक का रूप धारण किया, चेलों के पैर धोए। प्रभु जी कितना अपने आप को नम्र किया। आज इस दिन को हमें कितना कुछ सीखना है यीशु के जीवन से। इसके लिए परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा नाम दिया कि सब नामों में उसका नाम श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना उसके नाम में टिकता है, हर एक जबान अंगीकार करती हो कि प्रभु है। मैं केवल प्रभु धन्यवाद देता हूं। कलीसिया प्रभु जी, ये आपकी कलीसिया है प्रभु जी। आत्मा में भर जाए मेरे राजा। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम लोगों के लिए उदाहरण बने, हम गवाह बने प्रभु, आपके हिसाब होने दे। फिर एक बार धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए। सब गौरव अगर आपको देते, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। हर एक को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सूर्य कबूल कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक आवाज में बोलेंगे। हे हम चाह स्वर्ग तिर बप्पा, तुझे नाम पवित्र माने ले जाओ, तुझे राज चाहिए दशे स्वर्ग तशे पृथ्वी, और तुझे इच्छे प्रमाणे हो हम चिरो भाकर जमा दे, जशे हमें हम चरुण्यास सोड़ी लिया है तशे तो हम चरुण्य मास।
आणि आम्हाला स्पर्शताप नको, वाईटापासून सोडेल, कारण की राज्य सामर्थ्य गौरव सर्व काळ तुझे आहे. आमेन. आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्ताचे प्रेम, परमेश्वराचं परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभू येशू मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ में हमेशा हमेशा बनी रहे. आमेन.